किला छत्री जी क्या छत्ती किला कन छत बीच रास्ता क्या मिले थे 1 2 3 मान करना चाहते हैं मिस्टर गोलू को तू ही तो जान चाहे ढेर रुदा कर गान गोल डाला कर क्यों लाजो तेरे बच्चों आना। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो अभी का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी हमारा खाना वगैरह सब कुछ हो चुका है और मैं आया हूँ इधर बैल छोड़ने के लिए। नीचे बैल मैंने आगे को छोड़ दिए क्योंकि आज मैं नहीं जा रहा गाय के साथ, इसलिए मैं लेट शुरू कर रहा हूँ, वरना सुबह से कर दिया जाता ना। तो अभी भैंस भी आ गई हमारी, तो भैंस भी आ गई, भेड़ भी आ गई और बैल मैंने नीचे को छोड़ दी और आज जा रही है साक्षी गाय के साथ क्योंकि लगी हुई है सुबह से बारिश और मौसम देखो क्या मस्त हो रखा है। तो गाय लेकर तो चली गई साक्षी, मैं रहूंगा आज घर पे पूरा दिन भर और पर ऐसे ही नहीं रहूंगा, मेरे को काम मिला। पहले मेरे को काम मिला था नीचे खेत में कंडाली साफ करने का, आजकल जगह जगह कंडाली होती है ना बसगाल के टाइम में, सारे जो भी झाड़ी वगैरह होती है सब कुछ मतलब घास वगैरह बहुत ज़्यादा ज़्यादा उग जाती है और जल्दी जल्दी उगती रहती है। तो मेरे को काम मिला था कंडाली काटने का पर मैंने मना कर दिया, मैंने बोला इससे अच्छा मैं गाय के साथ ही जाता हूँ। तो फिर उसने बोला एक छोटा सा काम कर दे, छोटा सा काम भी नहीं है वैसे तो, उस सिलाई मशीन है ना उसको मेरे को ठीक करना है, ख़राब कर दी उसने, बार बार ख़राब कर दी थी, उसको ठीक करना है मेरे को, ये वाली मशीन ठीक करनी है मेरे को। देखो सिलाई मशीन बहुत पुरानी है, बार बार ख़राब हो जाती है, कई बार ठीक करा लिया लेकिन फिर ख़राब हो जाती है। ये बल कपड़ा नहीं दबा रही कुछ, अभी तो निकाल रखी है ना मैंने नीचे से। और साक्षी ने बोला यूट्यूब से देखकर ठीक करना है, उसने भी किया था बोले एक बार, तो मैं भी करूँगा, खुद ही बोला उसने, वरना मैं भी यूट्यूब से देख कर करता ठीक, मेरे को कौन सा आता है मैं कौन सा मैकेनिक हूँ। पर साक्षी ने बोला यूट्यूब से देख कर करना ठीक, मैं यूट्यूब से देखूँगा फिर होगा नहीं होगा जो भी होगा खोल खाल के अलग कर दूंगा। बाकी हो गया मेरा काम खत्म, हो गई ये मशीन ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, ये कपड़ा नहीं दबा रहा था ऐसे, ये नीचे करके ना कपड़ा डालो इसके अंदर तो ये बाहर निकल जा रहा था, यूट्यूब से देख कर ठीक कर दिया मैंने, ये ढीला हो रखा था बस, कुछ नहीं हुआ था ज़्यादा, कील ढीली हो रखी थी बस। तो मशीन भी ठीक हो गई, अब मेरा दिन भर कुछ काम नहीं है, अब आराम से फ़ोन चलाऊंगा, टीवी देखूंगा, जो मर्जी आए करूंगा, अब मेरा कुछ काम नहीं है। तो दिन भर आराम से घर में बैठने के बाद अभी टाइम हो गया, मतलब सब लोग घर में आ रहे थे धीरे धीरे, मम्मी भी आ गई और चाय भी दे दी मम्मी ने मेरे को, सुबह चाय, शाम को चाय, रात को चाय, चाय 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 चाय। और दिन का टाइम हो गया, अभी साक्षी भी आने वाली होगी गाय के साथ, गाय के मतलब गाय को लेकर आने वाली होगी। तो अभी सभी लोग आ चुके हैं घर पर, बस पापा नहीं आए, पापा गए हुए कहीं काम पे गांव में, तो अभी हम चार ही लोग हैं, हम खाना खा रहे हैं, राज दाल बनी हुई है, ये फाणू सॉरी धपड़ी बोलने वाला था मैं, गहत का, गहत की दाल होती है ना ऐसा ही फाणू, मतलब गहत की दाल से बनाया था, और ये भदोले में खा रहे हैं, इसी में बनाते हैं, लोखर का है, जैसे उसके बारिश के दिन ओ इसकी शादी के दिन आएगी बारिश, है ना मैं है ना, अक्ल नहीं है पर, अक्ल नहीं नहीं पर हाँ जी का दादी को बताया। देखो तो खाना खाते अभी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, देख चल क्या मिले थे, कुछ कहना चाहेंगे ऐसे से, ओए फिर से मना, फिर से एक एक और एक और एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 1 2 3 जाबाई जाबाई जाबाई, कुछ कहना चाहेंगे आप, चल एक लास्ट दे दे, लास्ट गोल दे दे, ताली बजे हमारे हमारे हम सम्मानित करना चाहते हैं मिस्टर गोलू को। तो अभी फिलहाल टाइम हो गया घर जाने का, वॉलीबॉल खेला आज तो मजा आ गया, और अभी घर चलते हैं, आज तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कल तो लेट हो गई थी हमको। और आज तो पता नहीं क्या ही देख लिया, पता नहीं क्या ही दिख गया है, गोलू क्या छो, क्या छो जवाब भी जा कमल, पता नहीं यार बहनों
अब कुछ दिखेने नहीं आ रहे अब अरे कोई क्या छोरो चल बता नहीं हो और साइबेरियन लेडी वो तो नहीं चाहूँ ऐसी है ना पापा यही था आज की स्क्रिप्ट यही थी। अरे किला किन छो तुझे क्यों आ जाती है किला कन छो तू बीच रास्ता में आजकल दिल्ली आजकल भूत है। तो अभी तेरे ऐसे घर में पहुंच चुका हूं मैं, मतलब काफी देर पहले आ गया और हमारा खाना वाना सब कुछ नहीं हुआ अभी है। अभी खाना खाने चलता हूं मैं, घर वाले बुला रहे हैं कब से। और आज तो मस्त पराठे बने हैं आलू के, ये देखो वाह साग सिखाए वनी बाणी हम ये देखो मस्त आलू के पराठे जो तू ही बनाया लगना जी साग से बनाती है जो बड़े बड़े बनाती है पूरे तवे के बराबर। हम मम्मी छोटी छोटी बनाते हैं हमेशा। तू अब बाढ़ने आ गया खिले त्याग आलू नहीं होता खिले सुंगर खाई दी घन गुड़ साग बना चाह रोज है ना तु तो जान चाहे ढेरू तक घन गुड़ जाना तो फिलहाल हमारा खाना वगैरह सब कुछ हो चुका और छन्नी में दरवाजे बंद करके भी आ गए। आजकल थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, वैसे तो यही टाइम होता था खाना खाने के बाद जाते थे लेकिन फिर भी। और आज वीडियो भी नहीं बन पाए अच्छे से मेरे साथ, पता नहीं ऐसे और आजकल जिस दिन बहुत सारी वीडियो बन जा रही है मेरे को लग रहा है कुछ वीडियो नहीं बनी होगी, और जिस दिन कुछ नहीं बनना मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ बन ही गया होगा। छोड़ो फिलहाल मैं करता हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।